नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब एम्स गोरखपुर में 24 घंटे इमरजेंसी ओपीडी सेवा हुई शुरू। शाम 5 बजे के बाद भी डॉक्टर मरीजों का कर रहे हैं इलाज। न्यूरो फैकल्टी के आने से जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को भी किया जाएगा एक्टिव। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने दी जानकारी। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन। दिव्यांगजनों की सुनी समस्या। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के साथ की बैठक। कहा, प्रत्याशियों के मांग के अनुसार बदला जाएगा जर्जर व कम जगह वाले बूथ को। महानगर में नगर निगम की समस्त बंद दुकानों का सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। पुनः की जाएगी सामूहिक रूप से नीलामी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने करेत्तर वसूली की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने एम्स में किया शुभारंभ। कहा, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से एम्स में आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। भारत में लगभग 10 लाख लोग मिर्गी रोग से हैं पीड़ित। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस पर लोगों को मिर्गी रोग के लक्षणों एवं कारणों के उपचार के बारे में दी गई जानकारी। सीएमओ ने कहा, किसी को भी हो सकता है मिर्गी रोग। समय से कराया जाए इलाज तो पाया जा सकता है इससे छुटकारा। जागरूकता की कमी से 3/4 पीड़ित लोग मिर्गी बीमारी के ट्रीटमेंट से हैं वंचित। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक शातिर चोर कमलेश कुमार निषाद को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और मौसम में बदलाव होने से लोगों के इम्यून सिस्टम में भी होता है बदलाव। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां हैं आम। SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, रहे सतर्क, मौसम के हिसाब से खुद को करे तैयार। अब खबरें विस्तार से। एम्स गोरखपुर में इमरजेंसी ओपीडी सेवा शुरू होने पर मरीजों का इलाज हो रहा है। न्यूरो फैकल्टी के आने से ट्रॉमा सेंटर को 2400 घंटे शुरू किया जाएगा, जिसके संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज हो रहा है और 5 बजे के बाद भी मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसमें हर तरह की बीमारी का मरीजों का इलाज हो रहा है। अगर किसी मरीज को किसी तरह की दिक्कत है तो वह आकर यहाँ दिखा सकता है। जल्द ही मरीजों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, धीरे धीरे न्यूरो के फैकल्टी के आने से ट्रॉमा सेंटर को भी 2400 घंटे शुरू किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, ओपीडी हमारी तो वैसे जो रूटीन चल रही है वो चल रही है, लेकिन हमने इमरजेंसी सुविधा शुरू करी है और ये बेसिक मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो कि आपको 5 बजे के बाद भी मुहैया रहेंगी, जिसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको किसी तरह की तकलीफ है बीमारी हेल्थ से रिलेटेड, वो आके हमारे यहाँ पे और दिखा सकते हैं। और ये बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें यूजुअली कई बार आप देखेंगे किसी का एक्यूट एब्डोमेन हो गया, पेट में एकदम से दर्द हो गया और इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इमरजेंसी सर्विसेज हमने रिसेंटली ही लागू की हैं और हम शुरुआत में एक छोटे छोटे स्टेप से हम पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले समय में ट्रॉमा इमरजेंसी के हमारे और डॉक्टर्स जुड़ जाएंगे। न्यूरो सर्जरी जब आ जाएगा तो हम मानते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। अभी हम बेसिक सर्विसेज से शुरू कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार तथा अपर आयुक्त दिव्यांग जन शैलेंद्र सोनकर द्वारा दिव्यांग जनों के समस्याओं के निस्तारण के लिए योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग जन राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग जनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि 2016 के अधिनियम के अनुसार दिव्यांगों के शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यापक अधिकार दिया गया है। उन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आयुक्त को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और दिव्यांगों को न्याय मिल सके। यदि कोई दिव्यांगजन अपनी समस्या बताता है तो तत्काल उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया जाता है। यदि मामला गंभीर रहता है तो प्रकरण का सुनवाई करके आगे की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, जिससे दिव्यांगों को लखनऊ तक ना जाना पड़े। उक्त कार्यक्रम में 350 से अधिक दिव्यांगजनों की समस्याओं का राज्य आयुक्त के द्वारा कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया। मोबाइल कोर्ट में ज्यादातर वाद जमीनी विवाद, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शहरी एवं ग्रामीण आवास, रेलवे पास, आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड आदि से संबंधित थे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोविजन अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर एवं अन्य जिले के स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि श्री संदीप मौर्या सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संदीप मौर्या सर स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य आयुक्त, सशक्तिकरण विभाग की ओर से संचालित स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मी सोनकर जी, उपायुक्त दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे। स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडी की गोरखपुरा कि वो मंच पे आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीडी गुप्ता सर देकर श्री अभिमान पांडे सर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडी की
नाम बुला रहा हूं। यादव आप लोग टर्टल धनिया बहुत कम हो गई है और क्षमता है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20, कुछ जो बची है उनको विभाग द्वारा हियरिंग एड पे और प्रमाण पत्र प्राप्त करिए। श्री गणेश कुमार, गणेश कुमारी प्रगति, एक मिनट रुकवा दीजिए, कुमारी ज्योति अंजू, इन प्रमाण पत्र का वितरण आदरणीय मंच पे लाइन से आइए। इन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगजनों को बुला रहा हूं। और विकास आनंद और विकास, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया जाएगा। आप पेंशन और प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार करतल धनियों से स्वागत करें। देखो एक्चुअली जस्ट थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं तो 2016 का जो अधिनियम है उसमें दिव्यांगों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वासन के लिए व्यापक अधिकार दिव्यांगों को प्रदान किए गए हैं और उन अधिकारों की रक्षा और उन अधिकारों को दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए राज आयुक्त को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनकी उनको न्याय मिल सके। तो जहाँ तक कि आपने कहा कैसे करेंगे, तो जैसे किसी ने कोई अपनी समस्या रखी, कोई भूमि का विवाद है, कोई उसका आवास के संबंधित विवाद है, कोई उसकी अन्य छोटे मतलब कि व्यवसाय संबंधित कोई ऐसी समस्या है तो उस संबंध में वो हमें बताएंगे और हम तुरंत उसको विभाग को आदेश करेंगे, संबंधित विभाग को कि इनका तुरंत निस्तारण करें। अगर मान लीजिए उस प्रकरण जटिल है तो उसको हम कुछ समय देंगे और उसको अपने साथ उसको वहाँ से फिर उसकी सुनवाई करके आगे कार्रवाई करेंगे अगर कोई कुछ प्रकरण ऐसे हुए तो हमारा उद्देश्य इसका है कि स्थान पर ही उन समस्याओं का निदान हो जाए ताकि दिव्यांगों को लखनऊ तक ना आना पड़े और उनका समय और पैसे की उनकी बचत हो और उनको आसानी से उनके घर के पास ही ग्राम के आसपास में ही उनको न्याय मिल जाए ताकि उनको सुगमता हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको न्याय मिल सके और सरकारी योजनाओं का जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का उनको लाभ मिल सके जो उनके हित के लिए बनाई गई हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए नगर निगम सभागार में पार्षदों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में निर्वाचक नामावली का कार्य पूरा हो गया है। 18 नवम्बर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ कुछ प्रत्याशियों ने बूथ को बदलवाने के लिए आवेदन दिया था, जिसको लेकर प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में बूथ बदलवाने के लिए जो आवेदन आया था उस पर चर्चा की गई है, जिसमें सामने आया है कि परिसीमन के बाद उनका मतदान केंद्र दूर हो गया है या जगह कम है, जिस पर सहमति बनी है कि दिए गए प्रस्ताव को देखते हुए मतदान केंद्रों को बदला जाएगा। इस अवसर पर पार्षद जियाउल इस्लाम सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, केवल आपके लिए नहीं, और भी कोई पार्षद आप भी हैं? नहीं, अच्छा, प्रत्याशी और प्रत्याशियों में कौन? मैं माधोपुर में रहा होगा, दूरी होने के कारण ये आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज बहरामपुर में, फिर है पुराना गोरखपुर में, यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला पुराना गोरखपुर का केंद्र, मेवालाल गुप्त गुरुकुल जूनियर हाई स्कूल गोरखनाथ में जाने का, ये प्राइमरी पाठशाला पुराना गोरखपुर में रहा होगा, इसी तरह से इस्लामिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में जो केंद्र रहा होगा वो कन्या प्राइमरी पाठशाला में एक एक केंद्र शिफ्ट करने की बात है। इतने प्रस्ताव हमारे पास लेकर के आए थे। अब इसमें दो बातें हैं सामान्य सी, पहले हम बता दें फिर आप लोगों की बात सुन लें। हम लोगों ने जो एक मोटा मोटा सिद्धांत बनाया
नगर क्षेत्र में नगर निगम में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई एक वार्ड का जो मतदान केंद्र है वो दूसरे वार्ड में पड़ रहा है। अगर लोग ये कहेंगे कि हमारे वार्ड में कोई स्कूल है, कोई सरकारी बिल्डिंग है या कोई ये स्कूल है, वहाँ पर वापस लाया जाए, एक सिद्धांत ये मोटा मोटा रहेगा कि वार्ड के बाहर अगर आपका मतदान केंद्र पड़ रहा है तो आपके प्रस्ताव पर उसको वार्ड के अंदर लाया जा सकता है। नंबर पूरा मेन रोड है, मेन रोड बाईपास वाली जा रही है, वहाँ जाके मिल रहा है। प्रार्थना पत्र बताना होगा कि इनमें से कौन सा केंद्र, 5 अभी बूथ है वहाँ, ठीक है, जिनमें से 2 बूथ प्राइमरी पाठशाला दाऊदपुर वाले ये जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह नसर। मॉडर्न स्कूल कहाँ पे है? बाबा स्वीट मॉडर्न स्कूल जो रामगढ़ में आ रहा है। हाँ, रामगढ़ ताल में वो है, काशीराम कॉलोनी आप देख रहे हैं। हाँ, उसके पहले जो वही तारामंडल में ना। हाँ, तारामंडल नक्षत्रशाला नहीं तो सर? नहीं नहीं, नक्षत्रशाला और मुक्ता काशी की दूरी करीब 2 किलोमीटर की। मुक्ता काशी कहाँ पे है? मुक्ता काशी आप जी मेल तारामंडल लेके जब हम छत से देखते हैं तो मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी दिखाई देती है। मुक्ता काशी सर्वे करा लीजिएगा, बहुत ऊपर नया ऑडिटोरियम है ना सर, बस समझे ऑडिटोरियम से इसी ले रहा हूं, तो बस इसी इसी मामले में कहना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी का कोई आपने हमने दिया सर, उसमें मैंने दिया सर करीब लगभग वार्ड नंबर बताइए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और लोकल बॉडीज़ का डिप्टी डीओ हूं। आज हम लोगों ने नगर निगम में जो हमारी अभी निर्वाचक नामावली है वो तो उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, उसकी हमने सूचना दी उनको कि 18 तारीख को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा जो नगर निगम के लिए है, नगर पंचायतों के लिए है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने बूथ चेंज के एप्लीकेशन दिए थे, तो बूथ चेंज की ओपन मीटिंग की आवश्यकता थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की उपस्थिति में, तो आज ढेर सारे लोग वहाँ उपलब्ध थे। उनके सामने जो बूथ चेंज के प्रस्ताव आए थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किए, उनको बताया गया कि साहब यहाँ से यहाँ बूथ चेंज करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्य कारण यही है कि परिसीमन के बाद उनका मतदान केंद्र उनके वार्ड के बाहर हो गया, या स्थान कम है, या वो मतदान केंद्र ध्वस्त हो गया है, मौके पर उपलब्ध नहीं है, या दूरी ज़्यादा है। इन सब विषयों पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों ने सहमति दी कि इसको चेंज किया जा सकता है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा करेत्तर वसूली को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त को समस्त रेंट विभाग के वसूली कर्मचारियों की समीक्षा किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। महानगर के 10 जोनों में से 5 जोन की समीक्षा विपुल राय व शेष 5 जोन की समीक्षा ब्रजेंद्र द्वारा किया जाएगा। दोनों कर अधीक्षकों के कार्यों की समीक्षा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी करेंगे। करेत्तर विभाग के कर्मचारियों को सभी बकायेदारों की 3 सूची बनने तो निर्देशित किया गया। पहले बड़े बकायेदार, दूसरे छोटे बकायेदार और तीसरे सामान्य बकायेदार। बड़े बकायेदारों से वसूली स्वयं नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा किया जाएगा। समस्त वसूलीकर्ताओं से 2 दिवस के अंदर महानगर में नगर निगम के समस्त बंद दुकानों की सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने के उपरांत समस्त दुकानों की सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए सामूहिक रूप से पुनः नीलामी की जाएगी। बंद दुकानदारों को अंतिम रूप से नोटिस दी जा चुकी है तथा नोटिस का समय भी समाप्त हो चुका है। वर्तमान में अभी तक कुल 48 दुकानें ऐसी हैं जिन पर आवंटी द्वारा कोई संचालन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, समस्त जोनल अधिकारी विपुल विक्रम राय, कर अधीक्षक ब्रजेंद्र लाल, एजाज आलम, लेखाकार RKL श्रीवास्तव, कंप्यूटर प्रोग्रामर व करेत्तर विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। अभी जो बता रहे थे वो जोन 7 का था, 7 का, 7 का था, तो जोन 8 का भी बता जी सर, बता रहे हैं भाई, तो बहुत अभिनंदन जा रहा है। अभी सर 1.5-2-3 महीना पहले सर हमने वार्ड वाइज सर बनाया भी था, 2-4 को निकाला भी गया सर, इसको फिर से कर देता हूँ।
से बोला बाकी कूड़ा तो उठ गया था हमारे जोनल आपका जो हेलीकॉप्टर की डिमांड थी और मैं ये भी कहूँगा नगर की कक्षा में एक दिन का मैं हेलीकॉप्टर किराया दे सकता हूँ पूरे गोरखपुर में। हम आज के नगर आए थे क्या, तुम हमको गोली दोगे और हम तुम्हारी गोली खाने नहीं मिली थी, तुम सीधे मंत्री सुनते क्यों, कौन इसके पीछे पीछे कब तक तुम लोग चलोगे इसके पीछे पीछे। हर बार मैं वहां जाऊंगा एकदम इनके यहाँ असली धंधा दिखे कितने इधर बताइए इनके तुम लोग को मैंने इंस्पेक्टर बनाया सब कुछ बनाया कभी कोई लिख के बताओ कुछ शिकायत करो कुछ करो हाँ जी इसको देखेंगे इसको जो नंबर आप सुबह के लिए हाँ हाँ बताइए पार्ट नंबर आप मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें उद्योगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि मंडल में उद्योग स्थापित होने से ज़्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। उक्त बातें मंडलायुक्त ने आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में CETP की स्थापना के संबंध में बताया गया कि गीडा में स्थापित किए जाने वाले 7.5 MLD का CETP के उत्तर प्रदेश जल निगम अर्बन को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है और जल निगम द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने समीक्षा के दौरान गीडा में सेक्टर 13 में बनने वाले फ्लैटेड फैक्ट्री के डिजाइन को उद्यमियों को भी दिखाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2022-23 की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल में 342 लक्ष्य के सापेक्ष 1055 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित है जिसमें से 404 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा 179 को ऋण वितरित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 389 लक्ष्य के सापेक्ष 655 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित 236 आवेदन पत्रों की स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा 129 को ऋण वितरित किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंकर्स शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें और समय से धनराशि का वितरण करें। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्याओं के संबंध में बताया गया कि गोरखपुर में निवेश मित्र पोर्टल पर एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत कुल 19 मामले लंबित हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी मामले लंबित नहीं होने चाहिए, संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से इसका निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एडीएम FR राजेश कुमार सिंह, गीडा CEO पवन अग्रवाल, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं उद्योग बंधु मौजूद रहे। कहां पर कार्य इसमें सर कार्य हमारा सब कुछ है, सब कुछ रेडी कर लिया था, जल निगम को एसी सर ने नामित किया था, उसके क्रम में इन्होंने ये तो ये सीटी में सर कैपिटल कॉस्ट है और दूसरा इसकी ओएनएम कॉस्ट है, तो जो कैपिटल कॉस्ट है उसका 95% ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है NNCG से, पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा दिया जाएगा पार्ट वन। दूसरा सर इसका ONM है, तो आपकी तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि हम लोग को जब भी ये CETP बन के ही मिलना था उसके संबंध में जो भी है कैपिटल कॉस्ट एक पार्ट है उसको तो डिस्कशन हो भी रहा था, आपने भी ये रिक्वेस्ट किया था कैपिटल कॉस्ट का हो सकता है प्रबंध हो भी जाए। अभी सर ONM में ये बात आ रही है कि वी नीड ए लीगली एनफोर्सेबल कंसेंट, ये NNCG से कल किया गया था, तो लीगली एनफोर्सेबल कंसेंट इंडिविजुअल की हर एक इंडस्ट्री की, मतलब वो लेटर पॉइंट पे किसी के उससे नहीं काम चल रहा है। कितने का खर्चा आने का संभव है बताइए, कितना फर्स्ट मीटिंग हुआ सर? दो बार हुआ मीटिंग और मीटिंग में जितने पॉल्यूटेड पॉल्यूशन निकाल मतलब पानी निकालने वाले यूनिट्स हैं मैक्सिमम वो आए मीटिंग आज के दिन में कितना डिस्चार्ज नहीं वही है आज के दिन में, क्योंकि इन्होंने तो एक अप्रॉक्सीमेटली ये बता दिया 6 करोड़ रुपए आने वाला है, 6 करोड़ रुपए में मतलब आएगा तो वो कितना हमारा आज के दिन में वी हैव एन आइडिया ठीक है 6 करोड़ रुपए का खर्चा आ रही है 5 करोड़ मतलब 6 करोड़ रुपीज प्लस और माइनस समथिंग
ठीक है, तो वी शुड हैव एन आइडिया उतना वो देने के। ठीक सर, ठीक है, आप उनको कंपलसरी कर दीजिए कि इतना केएलडी का है तो इतना। सर डिस्कशन में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट से पे कन्विंस नहीं थे कि ये 5 से 6 करोड़ ये ठीक नहीं है, ये और नीचे होना चाहिए। उसमें सर ये है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला है। मैं ये कह रहा था सर, मैं जो जस्ट एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो ये पास कितना है सर? ठीक है, मैं नॉट बी 6 करोड़, बट उनका ये कहना है कि साहब 6 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 और 6 के बीच में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट उसको कोई टेक्निकली साउंड एजेंसी सर एनएमसीजी में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनएमसीजी आज के दिन में एनएमसीजी इज मेंटेनिंग मोर गंगा रेल बेसिन में दे आर रनिंग सो मेनी एसटीपीज एंड सीटीपीज। ठीक है, उनको आइडिया है, आप अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं से लिख करके आप मान लें। एक डी पी आर में ही सर जो पास की हुई है सर, डी पी आर को आई टी रोटी ने थर्ड पार्टी एस एस पी किया है सर। उसके बाद एन एम सी जी ने तमिलनाडु टी डब्ल्यू एस तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, उनसे फिर उन्होंने थर्ड पार्टी एस एस कराया है, उसके बाद ही सर उन्होंने डी पी आर अप्रूव किया है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब एम्स गोरखपुर में 24 घंटे इमरजेंसी ओपीडी सेवा हुई शुरू, शाम 5 बजे के बाद भी डॉक्टर मरीजों का कर रहे हैं इलाज। न्यूरो फैकल्टी के आने से जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को भी किया जाएगा एक्टिव। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने दी जानकारी। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन। दिव्यांगजनों की सुनी समस्या, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के साथ की बैठक, कहा प्रत्याशियों के मांग के अनुसार बदला जाएगा जर्जर व कम जगह वाले बूथ को। महानगर में नगर निगम की समस्त बंद दुकानों का सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त, पुनः की जाएगी सामूहिक रूप से नीलामी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने करेत्तर वसूली की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने एम्स में किया शुभारंभ, कहा हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से एम्स में आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। भारत में लगभग 10 लाख लोग मिर्गी रोग से हैं पीड़ित। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस पर लोगों को मिर्गी रोग के लक्षणों एवं कारणों के उपचार के बारे में दी गई जानकारी। सीएमओ ने कहा किसी को भी हो सकता है मिर्गी रोग, समय से कराया जाए इलाज तो पाया जा सकता है इससे छुटकारा। जागरूकता की कमी से 3/4 पीड़ित लोग मिर्गी बीमारी के ट्रीटमेंट से हैं वंचित। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक शातिर चोर कमलेश कुमार निषाद को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और मौसम में बदलाव होने से लोगों के इम्यून सिस्टम में भी होता है बदलाव, जुकाम खांसी बुखार जैसी बीमारियां हैं आम। SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा रहे सतर्क, मौसम के हिसाब से खुद को करे तैयार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत एम्स व पीडीओए
EDPAL के संयुक्त तत्वावधान में भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने शुभारंभ किया, जिसके संबंध में एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वाणी योजना का दिसंबर 2020 में शुभारंभ किया था, जो कि गांव-गांव तक लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रहा है, जिसका शुभारंभ एम्स में किया गया है, जिसका लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा जो कि एम्स में इलाज के लिए आते हैं। उनको लाइन लगाने से लेकर कैश काउंटर तक हर कार्य में काम आएगा, क्योंकि देश अब डिजिटल हो रहा है। हम लोग एम्स को भी पेपरलेस करना चाहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू है, काउंटर को भी कैशलेस कर दिया जाएगा। पीएम वाणी का सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर रामचंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने कहा, शामिल हो बिना किसी एक्सीडेंट के, ठीक है। तीसरा, कम से कम एक राइट पीडीओ को आप लोगों से मिलवाना, जो कि अनिल श्रीवास्तव है, ही इज डायरेक्टर ऑफ एक्सपर्ट वे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ही इज बेस्ड इन लखनऊ, बोली सहजनवा के रहने वाले हैं, सहजनवा बेस्ड इनका मतलब खलीलाबाद में इनका ऑफिस वगैरह है, ठीक है ना, तो वहां से है। तो आपको राइट पीडीओ पीडीओ को मिलाना भी हमारा काम था, जिससे कि जो पीडीओ बनना चाहते हो राइट पीडीओ से पीडीओ मिल सके। तीसरा, टू हैंड होल्ड एंड प्रमोट द टेलीकॉम स्टार्टअप दैट इज एक्सपर्ट विजन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, उसको प्रमोट करना, उसको आप लोगों के बीच में स्थापित करना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम निकल बच्चे का नाम, इसका मतलब कि नाउ आप लोगों के दिमाग में इनके प्रति एक ऑथेंटिसिटी चली गई कि नहीं ये राइट पर्सन है, इनसे कॉन्टेक्ट करके हम वीडियो बन सकते हैं। इसी तरह से आप में से अगर कोई वीडियो या ऐप प्रोवाइडर बनेगा तो उसको भी हम मार्केट में एस्टेब्लिश होने में गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे कि लोगों को सही वीडियो या ऐप प्रोवाइडर की जानकारी भी मिल सके। उसके अलावा तो क्या था, तीन हो गया ये वाली की सभी को, आप सभी का एम्स गोरखपुर के परिसर में स्वागत है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर सुरेखा किशोर मैडम आ चुकी हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे डीडीए सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सर्वप्रथम आप सबका नमस्कार, अनिल श्रीवास्तव जी, अधिकारी रामचंद्र साहब ने आप सभी को इस सेवा के बारे में कंपनी तो कुछ कस्टमर के लिए नहीं बनाता, अपना वो देख करके लगाता है, कुछ
कहीं कवरेज अच्छा होगा, कहीं कवरेज अच्छा नहीं होगा, जैसे यहाँ कवरेज अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये तो कस्टमर के पास लगेगा, उसके 100 से 200 मीटर के नहीं लगेगा, इसीलिए इसका सिग्नल डिस्टेंस अच्छा होगा, ठीक है ना, सीमलेस होगा और डाटा स्पीड अच्छी होगी। दूसरा कुछ भी होगा तो उसका वीडियो जो है सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर के घर के बगल में, वो ज्यादा आसानी से वो प्रॉब्लम अटेंड हो जाए, यानी आपके से मेंटेनेंस भी क्विक होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज के दिन हम प्रधानमंत्री की इस योजना को जो उनके द्वारा विस्तारित की जाएगी और जा रही है पूरे देश में, और हमारा गोरखपुर और एम्स परिसर में भी ये योजना की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जो कि पीएम वाणी के नाम से जानी जा रही है। और पीएम वाणी जैसे कि आपको पहले भी सारे वक्ता बता चुके हैं उसके बारे में कि पीएम इज प्रधानमंत्री और वाणी जो है वो है आपका वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हम पहले इंटरफेस को एरिया सोच रहे थे आई से, तो हमने इनसे बात की तो मैं इंटरफेस है आई का मतलब। सो पीएम वाणी के तहत हम लोगों को ये सेवा प्रदान की जाएगी जो कि बहुत लो कॉस्ट है। इसका सबसे पहले आप सभी को सब जानते हैं कि बहुत ही कम समय में हम सब लोगों से जुड़ सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी है, सबके पास संचार हम कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कम कॉस्ट में कर सकते हैं। और ये हमारे एम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में हम सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर देंगे, जैसे कि हम कैशलेस काउंटर्स शुरू करने की प्रोसेस में हैं जिसमें मरीज को कहीं पैसे लेके घूमना नहीं है, उसको अपना कार्ड स्वाइप कराना है और वहीं से उसके सब चीज़ें, उसको इधर उधर भागना भी नहीं है कि पहले बिल कराओ फिर उसको लैब में जांच कराओ, तो सारी सुविधाएं आपके कार्ड के साथ बड़ी अच्छे सुचारू रूप से चलेंगी। प्लस आपके सारी रिपोर्ट्स आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इधर रजिस्ट्रेशन से लेके और भी फॉलोअप सर्विसेज सब चीज़ें आपको ये वाईफाई की सर्विसेज अच्छी होने की वजह से आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एम्स का भी इसके साथ ग्रोथ होगा अगर हमारा पीएम वाणी के द्वारा ये कार्यक्रम के द्वारा और ये वाईफाई कनेक्शन के द्वारा हम लोग एक बहुत अच्छे रूप से प्रोग्रेस और कर सकते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से समाज में ये सेवाएं आपको प्रदान कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन ये और आसान हो जाएगा अगर हमको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। और आप सभी की प्रेजेंस में मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, हम सबसे पहले धन्यवाद अर्पित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया, हमारे देश को डिजिटलाइजेशन और न्यूअर टेक्नोलॉजी से एक्सपोज कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो कहते हैं, जैसे अभी हमारे रामचंद्र जी भी कह रहे थे कि उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और पीएम वाणी के द्वारा सबकी आवाज, एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वाला नारा है जो उन्होंने दिया और वो कर भी रहे हैं। और हमको ये जान करके भी बहुत खुशी होती है कि हमारा देश कंटिन्यूसली प्रोग्रेस के पथ पे अग्रसर हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं या बाहर के विदेशों में जितने भी टेक्नोलॉजीज डिजिटलाइजेशन की वजह से जो प्रोग्रेस हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी अब आने से और इसको बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ाने से हमारा देश भी बिल्कुल प्रगतिशील हो रहा है। और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हेलो, म्यूटेड है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर नितिन, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, हमारे साथ हमारे आईटी से उससे सेक्शन से जुड़े हमारे डायरेक्टर साहब हैं रामचंद्र जी, ये भी साथ में हैं हमारे, और हम लोग इसका एक फॉर्मल उद्घाटन कर रहे हैं और हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल को एक तरह से। डॉक्टर रुचिका को आप देख सकते हैं वो ओटी में है,
मैडम और सर ओपीडी में है हमारे यहाँ के डीएमएस डॉक्टर नितिन मराठे सर और डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ईएनटी सर्जन है। एक जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाएं। और एक चीज और सर, यहाँ जो इन्वेस्ट करना चाहता वो भी कोई भी अलाउड है यहाँ पे? जैसे कि आप सब जानते हैं आज का ये जो कार्यक्रम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसके तहत वाईफाई की सर्विसेज जो हैं वो हर क्षेत्र में मुहैया कराई जा रही हैं और आज एम्स के कैंपस में ये कराई जा रही हैं। तो एम्स में जो हैं हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा सुविधा का लाभ मिलेगा और ख़ास करके हमारे उन पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको लाइन लगाने से लेके चाहे वो कैश काउंटर्स पे या फिर किसी तरह का भी जहाँ पर आपको वाईफाई, क्योंकि हम लोग आजकल के समय पे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल को भी हम जहां तक हो सके पेपरलेस करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारी शुरू है और इसके साथ साथ कैशलेस काउंटर्स भी आने वाले समय में कर देंगे और उसके साथ साथ और भी सुविधाएं हम इसके साथ मुहैया करा सकते हैं। तो हम हमको बहुत खुशी है कि हम जो समाज के लिए पेशेंट की सर्विसेज दे रहे हैं और पीएम वाणी से जो जुड़ करके हमारे साथ जैसे रामचंद्र जी जुड़े हुए, आइए ये डायरेक्टर साहब हैं और इनके साथ में मिल करके हम लोग जो है इस सर्विस को बढ़ावा देंगे और कहीं ना कहीं आप आगे के टाइम पे आप देखेंगे कि पेशेंट्स को इतनी सुविधा हो गई है जहाँ पे उसको रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था या वेटिंग टाइम भी उसका ऑनलाइन अगर कहीं पर करते हैं जैसे इन्होंने बताया तो वो अपना काम करके भी अपना भेज सकता है। पेशेंट का वेटिंग टाइम, उसका खुद का जो काम करने का तरीका है वो भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा और उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा कहीं पर भी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मरीजों के लिए भी सुविधा हो गई, क्राउडिंग आप ओवर क्राउडिंग आप हटा सकते हैं, इससे बीमारियों का संक्रमण और ये सब भी आप बचा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो घर बैठ के वो रजिस्टर कर सकता है। तो एक तरह से समाज के लिए ये सबसे बेहतरीन सुविधा है स्पेशली पेशेंट्स के लिए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी सुविधा, इस सुविधा का इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा और आगे एम्स के अलावा मेरे ख्याल में गोरखपुर के बाकी एरियाज में भी ये लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस नेटवर्क की स्थापना की जिसके द्वारा हम पेशेंट्स के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहेंगे, जो कि ईजी है, एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, जिसमें बहुत कम पैसों में आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, बहुत फास्ट सर्विस है और एक्सेसिबल है। सो दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आप आइए, डॉक्टर अमित रंजन ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे अकाउंट ऑफिसर हैं, ये सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे मीडियाकर्मी जो हैं ये इन लोगों के साथ भी हम बैठ के ये जो कार्यशाला इन्होंने सुनी तो इन्होंने भी ये गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये जो पीएम वाणी का कार्यक्रम है डेफिनेटली देश को एक प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में हमारा देश बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की बुलंदियों पर पहुँचेगा। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें भारत में लगभग 10 लाख लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। लोगों की सोच को बदलने और रोग के प्रति जागरूक करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो इंटरनेशनल ब्यूरो और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा इसे आयोजित किया जाता था। इस दिन देश भर में लोगों को मिर्गी रोग के लक्षणों एवं कारणों के उपचार के बारे में जानकारी दी जाती है तथा लोगों को अपना अनुभव शेयर करने का भी मौका दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मिर्गी में मुंह से झाग निकलना,
चक्कर आना, शरीर में जकड़न और बेहोशी जैसे लक्षण मिर्गी की ओर इशारा करती है। मिर्गी ब्रेन से जुड़ा एक क्रॉनिक रोग है जिसमें व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। ब्रेन के सेल्स में अचानक और असामान्य रूप से केमिकल रिएक्शन होने के कारण दौरा पड़ता है, जिस वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उन्होंने कहा कि मिर्गी रोग किसी को भी हो सकता है, यदि इसका इलाज समय से कराया जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है और जागरूकता की कमी के कारण लगभग 3/4 लोग मिर्गी की बीमारी के ट्रीटमेंट से वंचित हैं। लोगों की सोच को बदलने और रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए 17 नवंबर को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस देखिए आज एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, और इस दिन जो है हम लोग राष्ट्रीय, ये 2015 से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोग इससे ग्रसित हैं और इसमें लगभग 10 लाख लोग भारत में रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिर्गी में हाथ पैर में अकड़न होने लगती है, सर में दर्द होता है, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, झटके आते हैं, और इसमें तो अपने यहाँ खास करके अगर बात करते हैं तो एक बड़ी भ्रांति है कि इसे लोग जो है भूत प्रेत और तमाम तरह की होती है, जूता चप्पल सुंघाने की प्रक्रिया होती है। तो इसे आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति में झटके आ रहे हैं, मुँह से झाग निकल रहा है, ऐसी ग्रथा में है, तो उसे दाहिनी या बाईं करवट लटा दीजिए, उसके मुंह को साफ कर दीजिए, देख लीजिए उसकी जबान न कटने पावे, इसलिए कोई चीज़ मुंह में पतला कपड़ा रुमाल कुछ इस तरह से अगर लगा दीजिए और तत्काल उसे चिकित्सक के पास ले जाएं। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, नशाखोरी से, सिगरेट, शराब, ड्रग्स से दूर रहना, तथा अगर किसी के घर परिवार में या पास पड़ोस में अगर इस तरह का होता है तो इसको किसी का अभिशाप, किसी प्रकार का भूत प्रेत न मानते हुए रांची चिकित्सालय में आएं और यहाँ इसका उपचार कराएं। यहाँ पर सभी चिकित्सीय सुविधाएं उत्पन्न होती हैं। इसमें अगर होता है कि दिमाग में जो विद्युत तरंगें होती हैं कभी कभी अपसेट हो जाती हैं, तो इसलिए शरीर में इस तरह की अकड़न और इस तरह के कंपन होते हैं, तो इसको कैसी दैवीय आपदा या कोई इस तरह का ना मानते हुए इसका उपचार कराएं, ये ठीक होने वाला मर्ज है। सर कहते हैं लोग केवल कंट्रोल किया जा सकता है, वैसा ठीक नहीं हो सकता है। देखिए डिपेंड करता है, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। कुछ में इडियोपैथिक होता है जिसमें रहस्य कारण नहीं पता होता है, उनको नहीं ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ में कारण पता होते हैं जिनके कारण पता हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को होता है तो पहले हम लोग उपचारित करते हैं, उपचारित करने के बाद उसकी जांच करते हैं, जांच में मस्तिष्क की जांच होती है, सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, तमाम तरह के रक्त परीक्षण होते हैं, तो जिसका कारण पता होता है वो बीमारी ठीक हो जाती है, जिसका कारण नहीं पता होता है वो लंबित होती है, लेकिन अमूमन प्रायः ये बच्चों में ज़्यादा होती है जो आगे चल करके ठीक हो जाती है। सर जो बीमारी से ग्रसित है उनके बचाव के लिए हम लोग इसे प्रमुख रूप से ये कहते हैं कि अपने जेब में एक इस तरह का कार्ड रख के रखिए कि आप जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्या दवा ले रहे हैं, इसका एक कार्ड अवश्य रखा करें। ऐसी अवस्था में क्या करें क्या ना करें इसका एक कार्ड रखें, जिससे कि कभी अगर आपको झटका आता कहीं होता है तो आपको उसमें जो है लोगों को पता चल सके। जो दवाइयां आप खाते हैं वो दवाइयां नियमित रूप से खाते रहें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है या कोई औषध नशे की है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा एक चीज़ है, अगर आप में एपिलेप्सी के झटके आए हैं तो कोई भी स्वचालित वाहन ना चलाएं, ये खास बात है, न स्वचालित वाहन चलाएं और न स्वचालित चलते हुए जो अनियंत्रित होते हैं उसके करीब जाएं। खास करके बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि आदमी गया था जहां पर पंपिंग सेट का पट्टा चल रहा था, वहां पर झटका आया, वो पट्टे पर गिरा, कालकौलित हो गया। जहाँ पर आटा पीसा जाता है वहाँ पर चक्की के पास गए और पट्टे पर गिरे, तो ऐसी जगह हैं जो स्वचालित चीज़ें जो अनियंत्रित होती हैं वहाँ पर इनको जाने से बचना चाहिए, और स्वयं ऑटोमोबाइल कभी नहीं चलाना चाहिए, जिसे
ट्रक है, ट्रैक्टर है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इन सब चीज़ों को चलाने से बचना चाहिए। शाहपुर थाने की पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कमलेश कुमार निषाद पुत्र लाल बहादुर निषाद निवासी जंगल छत्रधारी टोला लालगंज थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, पादरी बाजार चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह, अरविंद सिंह, अजय प्रताप, कांस्टेबल अखिलेश कुमार यादव शामिल रहे। अब मौसम में बदलाव हो रहा है। शहर में लोगों को सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यह मौसम बीमारियों वाला होता है। गर्मी के बाद हल्की सर्दी शुरू होती है तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। ठंड के मौसम में लोगों को जुकाम, बुखार जैसी आम बीमारियाँ होती हैं। इस मौसम में बदलाव के कारण हमारे इम्यून सिस्टम में भी बदलाव होता है। जब एकदम से मौसम में बदलाव हो जाता है तो हमारी बॉडी को इस मौसम के हिसाब से ढलने में वक्त लगता है तथा मौसम के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ता है। मौसम को एडजस्ट होने में देर होने पर शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, जिसके संबंध में SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि जनपद में गुलाबी ठंड पड़ने लगा है, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी, वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं तथा डेंगू का प्रकोप भी जारी है। डेंगू के मरीजों को जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर द्वारा टेस्ट कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू के 35 मरीज थे, जिसमें कुछ लोग ठीक होकर अपने घर को चले गए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भरपूर दवाइयां उपलब्ध हैं, मरीजों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़ा पहने, अपने घर के आसपास कूड़ा करकट को साफ रखे, जहाँ पानी भरा हो वहां पर पानी को साफ कर दे और फुल आस्तीन का कपड़ा पहने तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, सर मौसम में चेंज हुआ है, सर्द गर्म हुआ, किस तरह मरीज आ रहे हैं? सर अब तो सर्दी खांसी के भी आ रहे हैं, बुखार के भी आ रहे हैं, वायरल बुखार, अधिकतर वायरल बुखार ही हम कहेंगे उसको। और इस मरीजों के आने पर हम लोगों को, चूँकि पहले डेंगू का प्रकोप रहा है और अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिर भी हम एहतियातन के तौर पर उन लोगों का, मैं दो दिन से ज़्यादा होते हैं तो हमारे फिजिशियन लोग उनका टेस्ट जरूर करा लेते हैं, स्क्रीनिंग प्लस कन्फर्मेटरी टेस्ट हम डेंगू एलाइजा से करा लेते हैं। सर कितने मरीज हैं डेंगू के? हमारे नवंबर में तो मरीज 35 थे हमारे पास अभी, और उसमें कई ठीक होकर चले गए। मैं नवंबर 1 से बात कर रहा हूँ इस महीने की पूरी। सर क्या स्थिति है दवाइयों? दवाइयाँ तो हम उनको अपनी तरफ से काफ़ी दे रहे हैं सर, और सारी सुविधाएं देख रहे हैं। आप चाहें तो डेंगू वार्ड्स में भी जाके देख सकते हैं। हाँ, एक आध मरीज खराब हो गए थे, उनको हम लोग प्लेटलेट्स पूरा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं प्लेटलेट, क्योंकि एज ए नॉर्म हम कर रहे हैं काम, प्लेटलेट्स हम जितना उनको ज़रूरत पड़ रही है हमारे फिजिशियन आवश्यकता अनुसार दे रहे हैं। सर शाम और सुबह सर्द मौसम आती है और दोपहर में गर्म, इसमें लोगों को बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए सबसे पहले तो भाई सर आप उनसे ठंड से भी बचिए, और जहाँ गंदगी कूड़ा कबाड़ा है, पानी उनी का जमाव है, उसको आपको सही कीजिए और फुल स्लीप पहनिए। अभी मच्छर का प्रकोप अभी है, और मच्छरदानी के साथ सोइए, बाकी जो कुक पानी वगैरह पीजिए ताकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा ना हो, बाकी जो भी है बाकी से अत्यधिक जो भी बीमार वगैरह पड़ रहे हैं वो हमारे फिजिशियन एक्सपर्ट ओपिनियन इसके संदर्भ में देंगे। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
अब एम्स गोरखपुर में 24 घंटे इमरजेंसी ओपीडी सेवा हुई शुरू। शाम 5 बजे के बाद भी डॉक्टर मरीजों का कर रहे हैं इलाज। न्यूरो फैकल्टी के आने से जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को भी किया जाएगा एक्टिव। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने दी जानकारी। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन। दिव्यांगजनों की सुनी समस्या, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के साथ की बैठक। कहा, प्रत्याशियों के मांग के अनुसार बदला जाएगा जर्जर व कम जगह वाले बूथ को। महानगर में नगर निगम की समस्त बंद दुकानों का सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। पुनः की जाएगी सामूहिक रूप से नीलामी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने करेत्तर वसूली की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने एम्स में किया शुभारंभ। कहा, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से एम्स में आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। भारत में लगभग 10 लाख लोग मिर्गी रोग से हैं पीड़ित। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस पर लोगों को मिर्गी रोग के लक्षणों एवं कारणों के उपचार के बारे में दी गई जानकारी। सीएमओ ने कहा, किसी को भी हो सकता है मिर्गी रोग, समय से कराया जाए इलाज तो पाया जा सकता है इससे छुटकारा। जागरूकता की कमी से 3/4 पीड़ित लोग मिर्गी बीमारी के ट्रीटमेंट से हैं वंचित। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक शातिर चोर कमलेश कुमार निषाद को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और मौसम में बदलाव होने से लोगों के इम्यून सिस्टम में भी होता है बदलाव। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां हैं आम। SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, रहे सतर्क, मौसम के हिसाब से खुद को करे तैयार। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।